हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इम्प्रेशन और सीटीआर क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको इम्प्रेशन और सीटीआर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्रेशन के बारे में। इम्प्रेशन क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। वीडियो अपलोड होने के बाद जैसा कि आपको पता है, वीडियो का थंबनेल मेरे सब्सक्राइबर्स के पास जाता है और कुछ ऐसे व्यूअर्स के पास भी वीडियो का थंबनेल जाता है जिनको YouTube अपनी तरफ से रिकमेंड करता है। मान लेते हैं 100 लोगों के पास मेरी वीडियो का थंबनेल जाता है, 100 लोगों की स्क्रीन पर मेरी वीडियो का थंबनेल शो होता है, तो जितने भी लोगों की स्क्रीन पर मेरी वीडियो का थंबनेल दिखाई देता है उसी को हम इम्प्रेशन कहते हैं। अब सवाल आता है कि अगर 100 लोगों की स्क्रीन पर मेरी वीडियो का थंबनेल दिखाई देता है तो क्या 100 इम्प्रेशन ही माना जाएगा? तो इसका जवाब है कि किसी थंबनेल को इम्प्रेशन में कन्वर्ट होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं। पहली कि उस थंबनेल को स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए रहना होता है। अगर वो एक सेकंड से कम समय में हटा दिया जाता है तो वो इम्प्रेशन में काउंट नहीं होगा। दूसरा, उस वीडियो की थंबनेल को 50% से ज़्यादा पार्ट स्क्रीन पर दिखना चाहिए। अगर 50% से कम पार्ट स्क्रीन पर दिखता है तो वो वीडियो का थंबनेल इम्प्रेशन में काउंट नहीं होगा। तो ये है खेल इम्प्रेशन का। अब बात करते हैं सीटीआर के बारे में। सीटीआर को अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो सीटीआर होता है थंबनेल को देखकर अगर आपकी वीडियो पर कोई क्लिक करता है तो वही सीटीआर होता है। इसको हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। अगर 100 लोगों को मेरी वीडियो का थंबनेल स्क्रीन पर दिखाई देता है और 100 में से 10 बंदे उस थंबनेल पर क्लिक करते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, तो ये होता है सीटीआर और ये CTR होगा 10%। इसी तरीके से अलग अलग वीडियोस का अलग अलग CTR रेट होता है। अगर आपको YouTube पर ग्रो करना है तो आपको इम्प्रेशन और CTR पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये एक YouTube की ग्रोथ को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। वीडियो के कंटेंट को लेकर कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताएं।